आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। आज मैं बात करूंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके चैप्टर वन से रिलेटेड हैं और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो एसिड शब्द है वो लैटिन शब्द एसिर से आया है, तो ये एसिर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एसिर है इसका मतलब होता है सोर, सोर का मतलब होता है खट्टा। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। सो हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे बेसिक होते हैं जिनमें OH- आयन नहीं होता है, लेकिन उनका नेचर जो है वो बेस का होता है, तो ये घटना जो है सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका सही आंसर होगा आर्हेनियस। आर्हेनियस थ्योरी यह बताती है कि बहुत सारे बेस जिनमें OH- नहीं होता है फिर भी वो बेसिक नेचर के होते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्हेनियस थ्योरी। आप सभी का तीसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि H+ आयन को क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या डोनेट करते हैं, क्या अट्रैक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन को डोनेट करते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डोनेट। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि बोरिक एसिड का टाइट्रेशन अल्कलीज के साथ नहीं हो सकता, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्योंकि बोरिक एसिड जो है एक वीक एसिड है और वीक एसिड का जो टाइट्रेशन है वो अल्कली के साथ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। सो हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इथाइल एल्कोहल और बोरिक एसिड के मिक्सचर को जब बर्न किया जाता है तो जो उसमें फ्लेम निकलती है वो कौन से कलर की होती है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन। ग्रीन कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है और साथ में इथाइल बोरेट बनता है जब इथाइल एल्कोहल और बोरिक एसिड के मिक्सचर को बर्न किया जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब बोरिक एसिड बनाया जाता है तो उस समय सल्फर डाइऑक्साइड को किसके थ्रू सस्पेंडेड वाटर में पास किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉलिमेनाइट। कॉलिमेनाइट सब्सटेंस में बोरिक एसिड को बनाने हेतु सल्फर डाइऑक्साइड को पास किया जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बोरिक एसिड प्राकृतिक रूप से किस प्रकार के मिनरल्स के रूप में पाया जाता है, यानी कि बोरिक एसिड नेचुरली रूप से किस तरह के मिनरल फॉर्मेट में पाया जाता है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सोसेलाइट मिनरल्स के फॉर्म में बोरिक एसिड नेचुरली रूप से हमारे आसपास मौजूद रहता है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एसिड बेस के रिएक्शन को क्या कहा जाता है जिसमें सूटेबल सॉल्ट बनती है और उसके बाद उस सॉल्ट को और भी फाइन सॉल्ट के रूप में तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस रिएक्शन करके अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये है कि ये किसका कॉन्सेप्ट था जिसमें एसिड और बेसिक नेचर को दो तरीके से पहचाना जाता था? पहला तरीका था ट्रांसफर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा तरीका था लॉस और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो थ्योरी थी ये बताई गई थी ल्यूस के द्वारा। सो इसको ल्यूस थ्योरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है, ल्यूस थ्योरी। आपका अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये है कि हाइड्रोजन क्लोराइड को कौन सा एसिड बोला जाता है जिसमें वह अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोनाइजेशन करता है? तो जब बात की जाती है सिंगल बात की तो उसको बोलते हैं मोनो। तो यहाँ पर मोनो शब्द ऑप्शन बी में है, मोनोप्रोटिक। तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन गैस कब प्रोड्यूस करती है जब उसे किसके साथ मिलाया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा पोटेशियम पर मैग्नेट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ मिलाया जाता है तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। सो यह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को हैबर्स प्रोसेस के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है तो बदले में हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ये जो स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये हैबर प्रोसेस के द्वारा हमारे आसपास मौजूद नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब किसी मेटल के ऑक्साइड को ओवरहीट किया जाता है और उसके ऊपर से अगर अमोनिया गैस पास की जाए तो उसके बाद कौन सी गैस निकलेगी, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस निकलती है जब अमोनिया को किसी ओवरहीटेड ऑक्साइड मेटल के ऊपर से गुजारा जाता है। सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी ग्लास रड की मदद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो उस समय किस प्रकार के रंग की फ्यूम्स बनती है, तो इसका सही आंसर होगा वाइट। इसीलिए जब स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉन्टैक्ट में लाए जाते हैं तो सफ़ेद रंग की जो ज्वाला है वो बनती है। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वाइट। आपका अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये है कि जब सोडा लाइम मेथड प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ हीट किया जाता है ताकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो, तो इसका सही आंसर होगा मिल्क ऑफ लाइम, यानी ऑप्शन बी। यानी मिल्क ऑफ लाइम को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट किया जाता है तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।